नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। नवरात्रि की शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों की तरह आप भी नवरात्रि फेस्टिवल का आनंद लें। हाँ, अगर आपका ट्रांसप्लांट पिछले एक महीने में हुआ है तो थोड़ा मास्क पहन के ज़रूर रखें अगर आप भीड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं। अगर आपका एक महीने से ज़्यादा ट्रांसप्लांट हो गया है तो कोई मास्क की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर डांडिया देखने जाएं और पार्टिसिपेट करें। डाइट पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर रखेंगे। पहले महीने में हम आपको बताते हैं कि कच्चे फलों का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद भी अगर फल खा रहे हैं तो फल को अच्छी तरह धो के मोटा छिलका छील के उनको खा सकते हैं। सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो सेंधा नमक का सोडियम कंटेंट थोड़ा लोअर होता है, वो रेगुलर यूज में भी आप इसको ला सकते हैं। साबुदाना जरूर खा सकते हैं, चावल ले सकते हैं। सब्जियों को लेना है तो उसको अच्छी तरह धो के उबलते पानी में फिर उसको पकाएं। कच्ची सब्जियां सैलड्स थोड़ा कम खाएं। बाहर का सामान का कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि थोड़ा इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। साबुदाना, कुट्टू का आटा, सेंधा चावल सब चीज़ें आप खा सकते हैं। हाँ, अगर आपको शुगर की बीमारी है या ट्रांसप्लांट के बाद आपकी शुगर बढ़ गई है तो मिठाइयों पे ज़रूर रोक है। एक आध मिठाई कभी खा लें उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन शुगर और ब्लड प्रेशर का अपना रेगुलर कंट्रोल में रखें। और सबसे ज़रूरी, इन फेस्टिविटीज़ के दौरान आप अपनी दवाइयाँ लेना ना भूलें, क्योंकि अगर किडनी की एक भी दवाई इम्यूनोसप्रेशन की मिस हो जाए तो रिजेक्शन का रिस्क रहता है। धन्यवाद।